नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कटारिया आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कुछ लाइव पोर्ट्रेट्स, वो भी ट्रेन में। तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाता हूँ पेन से कुछ लाइव पोर्ट्रेट्स। देखते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशीष कटारिया आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, अभी मैं चालू ट्रेन के अंदर मेरे आजू बाजू जो लोग बैठे हैं उनका पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ। ऑलरेडी एक बनाया है, ये मैंने पहले हेयर से शुरू किया, पेन से डायरेक्टली बना रहा हूँ। अभी ये मैं स्पेक्स बना रहा हूँ पहले। स्पेक्स के ऊपर आईब्रो थोड़ी दिख रही है। आंखों की डिटेल उतनी नहीं दिख रही थोड़ी दूर से, तो मैंने हल्का सा एक इम्प्रेशन दे दिया है। पोर्ट्रेट एकदम फ्रंट नहीं है, थोड़ा सा 3/4 है, तो नोज लिप्स थोड़ा सा इस प्रकार दिखेगा। ट्रेन इतना हिल रहा है और उसके साथ रिदम मिला के हमें ताल मिला के चलना है। ट्रेन काफी हिल रहा है, उसकी वजह से पेपर भी हिल रहा है। मजा आता है, एक नया अनुभव होता है। स्ट्रोक्स भी बहुत संभल के लगाने पड़ते हैं। उंगलियों का सपोर्ट लेकर करने से इजी हो जाएगा काम। कान के अंदर की एक दो लाइन और कर देते हैं। तो ये हो गया इनका पोर्ट्रेट। अभी एक और पोर्ट्रेट हम बना रहे हैं, ये भी मैंने हेयर से शुरू किया है। दोस्तों ऐसा अगर लगता है कि पहले थोड़ा सा उसका लेआउट कर लिया जाए तो हल्के से कुछ पॉइंट रख के आप कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाए कि कितनी स्पेस के अंदर पोर्ट्रेट बनेगा। फिर उसको डिटेल में कीजिए आराम से, कोई बात नहीं। और जब हम स्टडी करते हैं तो सामने वाले को बोल ही दीजिए कि मैं आपका स्केच बना रहा हूँ, थोड़ी देर बैठिएगा। तो क्या है, वो मूवमेंट चेंज नहीं होगी उनकी, तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं आजू बाजू थोड़ा
को भी मज़ा आता है जब हम स्केच करते हैं, देखने वालों की भीड़ हो जाती है। ज़्यादातर तो मैं लोगों के स्केच बनाकर उनको दे ही देता हूँ। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि उनका पोर्ट्रेट कोई बनाए। कई लोग तो बोलते हैं लाइफ में पहली बार किसी ने मेरा पोर्ट्रेट बनाया ऐसे, तो उनके लिए एक मेमोरी हो जाती है। दोस्तों, मैं जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तब भी कुछ फ्रेंड्स के मैं ऐसे स्केचेस बना के उनको देता था। वो फ्रेंड्स लोगों के पास आज भी वो दिए हुए पोर्ट्रेट्स हैं। दूसरी एक और बात थी कि मैं दिवाली पे पोस्ट कार्ड लिखता था जिसमें वन साइड में ड्राइंग करता था कुछ भी और दूसरी साइड लिखता था, तो वो मैं काफ़ी सारे पोस्ट कार्ड लोगों को लिखता था, तो वो भी काफ़ी सारे लोगों के पास आज भी पड़े हैं और ईयर वाइज उनके पास उनके कलेक्शन में आज भी है। पर अभी क्या हो गया है कि मोबाइल के ज़माने में ये सब कम हो गया है थोड़ा, और पहले उतना टाइम रहता था, अभी उतना टाइम नहीं दे पाता मैं भी। तो भी कुछ सालों से पोस्ट कार्ड लिखना बंद हो गया है। इच्छा तो होती है कि फिर से लिखूं, पर उतना नहीं हो पाता है। इनकी हेयर स्टाइल भी देखिए थोड़ी अलग सी है। हेयर को एज इट इज ना बनाते हुए आप कुछ स्ट्रोक्स लगा के भी उसको फिनिश कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा फेस बड़ा हो गया इसलिए स्पेस कम मिल रही है, तो कान बनाने की जगह उतनी नहीं बची। कई बार होता है ऐसा कि इन्वॉल्वमेंट इतना हो जाता है फिर वो पता नहीं रहता है कहाँ तक कितना हम आगे निकल गए। किसी ओल्ड एज पर्सन का स्केच बनाते तो थोड़ी और भी डिटेल्स बढ़ जाती है, पर वो एज इट इज़ करने से उनका परफेक्ट फेस बना पाते हैं। एक और भी बना लिया है मैंने। ये अंकल काफ़ी दूर बैठे थे तो उनका उतना डिटेल नहीं मिल पाया है, लेकिन उनकी पोजीशन मैंने कैच कर ली है। ये थोड़ा छोटा भी बन गया है। एक्चुअली क्या होता है कि दूर होते हैं तो उतना डिटेल नहीं दिख पाता, तो फिर वो हल्के से थोड़ा सा एक उनके जो हेयर स्टाइल है या दाढ़ी मूछ है जो भी है उसका एक हल्का सा ड्राइंग हम बना सकते हैं। दोनों हाथ भी उनके ऐसे उन्होंने रखे हैं। जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना कीजिए और बनाते रहिए।
मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस करना ज़रूरी है। ये एक लास्ट स्केच है आज का। ये सामने जो दिख रहे हैं उनका मैं स्केच बना रहा हूँ। जब भी हम कोई बड़ा फेस बनाने जाते हैं तो उस हिसाब से बैलेंस करना भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितना एनलार्ज होगा उस हिसाब से आंखें भी बड़ी होगी, नोज़ भी बड़ा होगा, तो पूरा प्रोपोर्शन भी अच्छे से बने वो ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया स्केच करता रहूँगा। आप भी देखते रहिए और सीखते रहिए। लर्न आर्ट फ्रॉम आर्टिस्ट आशीष कटारिया। थैंक यू सो मच। राम राम। जय हिंद। जय भारत।